नमस्कार, जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर रतन लाल अम्बेडकर नामा एपिसोड नंबर 116 में आपका स्वागत करता हूँ। और आज एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं कई बार अपने बारे में बात नहीं करता पूरे अम्बेडकर नामा में, जितना आपने एपिसोड देखा होगा, लेकिन कई साथी लगातार मुझे कई दिनों से कह रहे हैं कि भाई अम्बेडकर नामा क्या चलेगा, आगे नहीं चलेगा। तो मैंने समझा ये कुछ आज बात साझा करूं। मैंने कहा भी था कि मैं कुछ निजी कामों में व्यस्त हूं, इस वजह से घर के अंदर अस्त व्यस्त है, पूरा दीवार टूटा हुआ है, व्यस्त हूं। उसके बाद मैं इस पर आऊँगा फिर वापस। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर मैं कौन से काम में व्यस्त हूं। तो इनफैक्ट मैं जहां खड़ा हूं, ये हिंदू कॉलेज कैंपस का मेरा ये घर है और मेरी नियुक्ति यहां 2000 में हुई थी और 2001 में ये घर मुझे अलॉट हुआ था। और इस घर का इतिहास ये है कि ये हेरिटेज हाउस है। 1911 में जब किंग जॉर्ज यहाँ आए थे, तब उनके सिपाही और अधिकारियों के रहने के लिए कुछ बंगले बने थे। हिंदू कॉलेज में ऐसे कई बंगले हैं, उसमें से एक बंगला ये है। तो जब मुझे मिला था तब बहुत ही डिलापिटेटेड कंडीशन में था, बहुत ही ख़राब हालत में था, आप रह नहीं सकते थे उस हालत में था। छतें गिर गई थी, बाथरूम जमाने का था। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा जगह मिला है मुझे, मैं धीरे धीरे मैं इसमें काम करना शुरू किया कि इसको ठीक ठाक से रेनोवेट किया जाए, रहने लायक बनाया जाए। तो इस लगातार थोड़ा थोड़ा हर साल पैसे की कमी होती थी और तनख्वाह भी कम थी, तो धीरे धीरे इसको रिनोवेट करने का काम हमने शुरू किया। 2008 आपको याद होगा, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स था और पूरा यूनिवर्सिटी सज रहा था। क्योंकि हमारे घर के ठीक 20 मीटर दूरी एक ग्राउंड है जिसमें मैं वॉक करता हूँ, उसमें भी प्रैक्टिस होना था। तो मुझे लगा कि मुझे भी घर रेनोवेट करना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करना मैंने शुरू किया। और एक दिन मेरे कॉलेज के साथी आए, मेरे जूनियर थे लेकिन दोस्त हैं, भाई की तरह हैं और कॉलेज के दिनों से मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, इतना बड़ा घर तो हम लोग कितना भी पैसा कमा ले वो बन नहीं मिल नहीं सकता है, तो आप इसको अच्छे से रेनोवेट कीजिए। तो उस साथी ने मेरी सहयोग की इस घर को बनाने में। और मैं आपको कह रहा हूँ कि वो साथी जो है वो कोई दलित बैकवर्ड नहीं थे, सवर्ण थे। और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, उन्होंने मदद की मेरी। और इस पूरे खंडहर को मैंने, ऊपर भी आप अगर देख रहे होंगे वहाँ पे, तो उसको मैंने डिज़ाइन किया। कॉटेज बांस का घर ऊपर बना हुआ है और सारी लाइटिंग्स लगाई, सारा कैंपस मैंने डेवलप किया। और यकीन मानिए कि उस समय जो आप मर्दानी वन फिल्म आपने देखी होगी, उसके जो विलेन हैं, जो कि छिछोरे में भी उन्होंने एक्टिंग की है, ताहिर, और वो उस समय NDTV में जर्नलिस्ट थे, NDTV मेट्रो नेशन, और हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मुझे जानते थे स्टूडेंट लाइफ से ही। तो उन्होंने कहा कि सर आपने इतना ज़बरदस्त रेनोवेशन किया है, इसमें मैं स्टोरी बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने NDTV मेट्रो नेशन पे 5 मिनट का स्टोरी उन्होंने बनाया था इस घर के ऊपर, हिस्ट्री टीचर एज ए हेरिटेज कीपर। और इसके अलावा यकीन मानिए इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, जनसत्ता, जितने लीडिंग अखबार है सब ने बड़ी बड़ी खबर फोटो के साथ इस मकान की छापी कि इतिहास के प्रोफेसर ने एक गिरते हुए भवन को, ऐतिहासिक भवन को जिंदा किया। मैंने PF से पैसे निकाले, इसको ठीक ठाक किया। और यही देखिए, आप यहाँ देखेंगे मैंने बाबा साहब की मूर्ति भी लगाई है। बाबा साहब की मूर्ति है, मेरी श्रद्धांजलि थी इनको, श्रद्धांजलि, आदरांजलि, जो आप कहें, मैंने बनाई थी। और नीचे मैंने कोटेशन लिखा था कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, डॉक्टर अम्बेडकर। ये मैंने सारा काम किया। और यहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आते हैं। तो जब कोरोना हुआ तो मैं समझा कि मैं क्या करूं, तो मैं सोचा कि घर, आप उधर देखे होंगे ईशान साहब वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, मेरे बेटे हैं, वो आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि कॉलेज का उधर जगह है, देखिए वहाँ पे शेड बनाया हुआ उन्होंने, वो पत्ता, वो कहते हैं कंपोस्ट पिट बना हुआ, सारा कचरा जो है ये पूरे घर के आसपास ये फैला रहता है। और पीछे आप देखेंगे ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये बिल्डिंग, और पीछे पूरा जंगल है, यहाँ बंदर का अड्डा बना हुआ है, सांप बिच्छू निकलते हैं और मेरे घर में भी आते हैं शाम में। कई बार होता है ऐसा कि आप बैठ नहीं सकते हैं, इतना कीड़ा मकोड़ा कंपोस्ट से निकलता है, चारों तरफ से आता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलो बाउंड्री करते हैं। तो बाउंड्री करते करते मैं इस घर के, इस सामाजिक न्याय भवन, दोस्त कहते हैं इनको, न्याय भवन है,
इसको रिनोवेट कर रहा हूँ। और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी जब मैं अम्बेडकर नामा कर रहा था तो एक जगह बाबा साहब ने कहा है, जब बुद्धिस्ट लोगों को बोल रहे थे कि जब आप रहें, चाहे बौद्ध विहार बनाएं चाहे कॉलेज बनाएं, तो भव्य दिखना चाहिए, शानदार, कि बाहर से ही लगे कि कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने समझा कि मैं तो बाबा साहब का बिगड़ा चेला हूँ, तो उनकी ये बात तो मान ही लेता हूँ, तो मैं पूरा ये अपने पैसे से, अभी सब उधारी में चल रहा है बाय द वे, सारे मटेरियल जो आ रहे हैं उधारी में आ रहे हैं, इसको मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ, इसको रेनोवेट कर रहा हूँ। अगर लोहे के पाइप्स ये देख रहे होंगे, पूरे पाइप्स पे पूरे बेहतरीन लैंप्स लगेंगे, एकदम जैसे शिमला के माल रोड पे लगा हुआ है। अब ईशान साहब से मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ पे आए। ये एरिया बहुत ही खंडहर टाइप का था, बहुत ही गंदा था, इसको मैं बना रहा हूँ ये बैम्बो हाउस, बांस का इसमें शेड बनेगा ऐसे, और इसका नाम रखा जाएगा बाबा की कुटिया। पीछे जो है जितने बहुजन नायक हैं सबके पेंटिंग्स बनेंगे बेहतरीन यहाँ पे, उस पोल पे स्मार्ट टीवी लगेगा, यहाँ झूला लगाया जाएगा, और वो सामने रूम है इससे अटैच वो गेस्ट हाउस बनेगा और अटैच बाथरूम बनेगा, तो अम्बेडकर नामा यहाँ बैठ करके ये स्टोरी बनेगी। तो ये यहाँ से अब हम आपको विजुअल्स देते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा घर है, मतलब दिल्ली में ये बहुत रेयर लोगों को इतना जगह मिलता होगा, तो मुझे मौका मिला है तो मैं समझता हूँ कि इसको बेहतरीन तरीके से मैं इसको रेनोवेट करूं। इधर पीछे स्टाफ क्वार्टर भी है, इधर स्टोर हाउस उधर बनेगा, और ये पूरी सफाई कराऊंगा। और ये आपका हो गया, ये जहाँ पे कि हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, तमाम लोग यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, 50 लोग बैठ के बातचीत कर सकते हैं, कार्यक्रम हो सकता है, और तमाम इस काम में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं दिन भर अपने जो हमारे शिल्पकार साथी हैं, मैं मजदूर नहीं कहता, शिल्पकार साथी है जिसको बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मैं दिन भर रहता हूँ। घर अंदर भी स्टडी रूम थोड़ा सा रिपेयर हो रहा है, सारी किताब डस्ट है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अम्बेडकर नामा थोड़ा सा स्लो हो गया है। इसलिए मैं समझा कि मैं आपको बताऊँ कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। तो ये रेनोवेशन का काम चल रहा है, और ये हमारे साथ, क्या नाम है आपका? ललित। कहाँ घर है? कानपुर के रहने वाले ललित, ये भी इसको बनाने में सहयोग कर रहे हैं, अभी बात करते हैं आपसे। और मैं, आइए ईशान साहब, अब मैं दिखाता हूँ, सारा अभी रेनोवेट होना है, काफ़ी वक्त लगेगा इसको करने में। आइए इधर आइए जरा, मिस्त्री साहब हमारे साथी हैं, आपका क्या नाम है? अच्छा, पंजाबी यादव, बेहतरीन नाम है, पंजाबी यादव है ये। और रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के रहने वाले हैं, पंजाबी यादव हैं। तो हमारे शिल्पकार साथी है जो इसको खूबसूरत बनाने में दिन रात मेरे साथ काम करने में कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, मैं भी दिन भर काम करता हूँ ना। हाँ, तो ये पंजाबी यादव साहब हैं जो इसको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इधर आइए, आपका क्या नाम है? सब नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? परमानंद। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, झारखंड के रहने वाले हैं परमानंद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए इधर आइए, नाम बताइए, नाम बोलिए। अशोक। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। कहाँ पे? पुष्कर के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या हुआ? अमित। कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर के रहने वाले, मेरे घर के बगल के रहने वाले हैं, मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, ये समस्तीपुर के हैं, ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसको ठीक ठाक करने में। और मैं दिन भर इन भाइयों के साथ मैं भी खड़ा रहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र। कहाँ घर है आपका? उत्तराखंड। कहाँ पे? हल्द्वानी के रहने वाले हैं नरेंद्र। और देखिए, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तमाम प्रदेशों के साथी। और इसलिए मैं सबसे परिचय करा रहा हूँ कि जब ये वीडियो जब डलेगा यूट्यूब पे, तो कम से कम आप जाने कि हमारे किन साथियों ने इसको बनाने में, इसको रेनोवेट करने में सहयोग किया। एक पुराने साथी से मिलाता हूँ कि जब 2008 में जब मैं इस घर को रेनोवेट कर रहा था, तो एक पुराने साथी थे जिन्होंने बैम्बू वॉक ऊपर जो कॉटेज बनाया था, बांस का घर, वो उन्होंने बनाया था, उनसे भी मिलवाऊंगा। लेकिन ये फोटो एक बार मैं फिर कहता हूँ ईशान साहब को कि ये दिखाएं, मूर्ति बाबा साहब की, ये इसका उद्घाटन मेरे पिताजी ने की थी, मैंने अपने पिताजी से उद्घाटन करवाया था, किसी VIP से नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे बनने में, मैं जो कुछ भी बना हूँ, मेरे पेरेंट्स का और मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो मैंने उनसे ये पूरा रेनोवेट करवाया था। मेरे पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी हम लोग को पढ़ाने में, और बहुत कर्ज उठाकर कुछ कर हम लोग को दिल्ली में पढ़ाया था। तो आइए ईशान साहब, एक और कलाकार साथी से मिलवाता हूँ। इधर आना भाई, इधर आओ। देखिए, बांस का
काम चल रहा है, ये वहाँ पे हट बनेगा, ये बांस का काम। क्या नाम है आपका? जीवाराम। ये पहले भी आप यहाँ काम किए थे? कब? 12 साल पहले यहाँ काम किए थे, जब बांस का ये पूरा जब मैंने बाउंड्री की थी और ऊपर बनाया था, तो 12 साल पहले काम किए थे। और 12 साल बाद फिर इस न्याय भवन के रेनोवेशन में सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये बनेगा पूरा, बेहतरीन लॉन बनाऊंगा, बेहतरीन यहाँ पौधे लगेंगे, बढ़िया फूल का पौधा लगेगा। और वहाँ कोने में एक प्लानिंग है कि एक पौंड बनाऊँ वहाँ। मैं शान से आग्रह करूँगा कि आइए जरा सा इसको आप दिखाइए कि आम के पेड़ है मेरे कैंपस में, 8 आम के पेड़ हैं। और तमाम सुबह अगर आप जगेंगे 4 बजे तो आपको लगेगा कि आप गांव में हैं, तरह तरह की चिड़िया जीव जंतु आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये शेड, ये लॉन डेवलप होगा और यहाँ पर मैं बनाऊंगा, मेरी प्लानिंग है, पता नहीं वो कितना सही होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे एक फिश पॉन्ड बनाना है जिसमें मछली पालेंगे। तो हमारे जो साथी आएंगे घर से, फिश फार्मिंग होगी, यहीं से आपको मछली खिलाया जाएगा, ये आपके पर्सनल यूज के लिए होगा। तो इसलिए कई साथी हमसे लगातार कह रहे हैं कि वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं दिन रात इसी काम में लगा हुआ हूँ। सारा डिज़ाइन कोई आर्किटेक्ट मैंने हायर नहीं की है, मैं खुद बैठकर, मेरी पत्नी शालिनी, ईशान, हम लोग सब बैठ, आद्या मेरी बेटी, बैठकर हम लोग सोचते हैं कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये सोचिए, और मैं ईशान से आग्रह करूँगा कि पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाए कि इधर आप देख सकते हैं ये पुराना स्ट्रक्चर है, जो जैसा मेरा घर है एग्जैक्टली सेम घर इधर बना हुआ है। तो ये देख लीजिए क्या हालत है, एकदम खराब कंडीशन में है, कि ये हेरिटेज हाउस है। और मैं तो आग्रह करूंगा प्रिंसिपल से कि इसको डेवलप करके बढ़िया सा गेस्ट हाउस बनाएं, 5-स्टार रिजॉर्ट बन सकता है, जितना बेहतरीन जगह है। तो मैं इस बार सोच रहा हूं कि मैं प्रिंसिपल से आग्रह करूं कि आधा पोर्शन हमने डेवलप किया है, अपने पैसे से किया है, दोस्तों का सहयोग मिला है, लेकिन इसको बेहतरीन बनाएं आप, और इसको यहाँ बाउंड्री हटा दें, इसको पीछे ले जाएं डी स्कूल की तरफ, वहाँ पे आप यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन और सब कुछ बनाएं और इसको खाली कर दें, और ये बेहतरीन जगह बनेगा जिसमें एकदम 5-स्टार गेस्ट हाउस आप बना सकते हैं। तो साथियों, ये काम मेरा चल रहा है पिछले 14 तारीख से। कभी कभी एक आध वीडियो डाल पाता हूँ, मेंटली इंगेज हूँ, और मेरी एक आदत है, आदत ये है कि जिस काम में मैं लगता हूँ लगातार वही काम करता हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा था दिन रात वही कर रहा था, अभी घर को बाबा का कुटिया को रेनोवेट कर रहा हूँ, इसको लगातार जब कर दूंगा तब अंदर स्टडी रूम ठीक हो जाएगा, तो लगातार 3 वीडियो 2 वीडियो रोज डलेंगे। तो इसलिए साथियों, मैं समझा कि कम से कम अपनी बात, हमारे बहुत सारे प्यार करने वाले साथी हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, जो हर समय वॉच करते हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये है, और उधर कार पार्किंग भी मैंने बनाया है कि कार अब रोड पर नहीं होगी, वहाँ घेर कर, और इसी को बेहतरीन, जो कि पूरे कबाड़ा फैला हुआ है, इसको बेहतरीन फार्म हाउस की तरह बहुत ही स्टाइलिश तरीके से इसको मैं सजाऊंगा, कि जब भी आप आएंगे दिल्ली में और हमसे जब आपकी मुलाकात होगी, तो आप देखेंगे कि मैं कैसे यहाँ रहता हूँ। और इसके लिए अपना मेहनत करना होता है, विजन होना चाहिए, पैसे मेरे खर्च होंगे कोई बात नहीं, लेकिन रहूँगा तो तरीके से रहूँगा। शुक्रिया साथियों, इसलिए मैं बाबा साहब का बिगड़ा चेला कहता हूँ कि जब मुझे जो करना होता है मैं करता हूँ, और उन्होंने कहा था कि बहुत ही भव्य तरीके से रहना चाहिए, तो मैं उनकी बात को मैं अक्षरशः मान रहा हूँ। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात होगी 5 दिन बाद एटलीस्ट, कम से कम, उसके बाद लगातार आपके साथ बना रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।